टू पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 172। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर जुलाई 2018। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया जैसे हमको चाहिए, डेट रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर LF, कैश बैंक डेट पेमेंट, वाउचर नंबर LF, कैश और बैंक। टू कॉलम कैश बुक है इसलिए दो कॉलम बनेगा, एक कैश का और एक बैंक का। उसके ऊपर मैंने टू कॉलम कैश बुक डेबिट क्रेडिट लिख लिया और जो मंथ स्टार्ट करने वाला है उसका हम लोग ने एक बार जुलाई 2018 लिख लिया। अब हम लोग पहला देखते क्या दिया है। एक तरीका कैश इन हैंड और सेकंड दिया कैश एट बैंक, मतलब हमारे हाथ में कितना पैसा है और हमारे बैंक में कितना पैसा है, इसे हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस। तो इसलिए इसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। कैश में कितना बोला बेटा? 17,000 और बेटा बैंक में 5,000। कोई दिक्कत? सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बोलो, तीन तारीख परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने बेटा गुड्स खरीदा, मैंने क्या किया? गुड्स खरीदा हुआ है, ओके पाप कर दिया नहीं ना, गुड्स खरीदा तो बेटा क्या आएगा मेरे पास? गुड्स आएगा, बदले में क्या जाएगा? पैसा जाएगा। सिंपल लॉजिक। अब क्या होता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000 रुपीज, मैंने 3,000 रुपए का गुड्स खरीदा तो सर गुड्स आएगा पैसा जाएगा, माल आता है पैसा जाता है, तो बेटा पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो बेटा तीन तारीख क्रेडिट में आएगा, लिखोगे बाय परचेसेस अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट? 3,000। सर कैश में आपने क्यों लिखा? क्योंकि उसने लिखा था कैश में दिया है, किसमें दिया है? कैश। बेटा नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग परचेस गुड्स, हमने क्या परचेस किया बेटा? गुड्स परचेस किया। कोई तकलीफ? अरे हाँ ना। नेक्स्ट बोलो बेटा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण, हमने अरुण से क्या रिसीव किया? चेक मिला। हमने अरुण से क्या मिला? चेक मिला। तो बेटा बोलो मेरे को, चेक आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है, आ रहा है तो डेबिट साइड। किसका नाम आएगा बेटा? टू अरुण अकाउंट। कितना बेटा? 10,000। बैंक कॉलम में लिखूंगा सही जवाब, क्योंकि उसको क्या माना जाएगा? चेक। चेक आ रहा है तो चेक जाने वाला किधर है? बैंक में। कोई दिक्कत? कितना? 10,000। तारीख बोलो बेटा, नरेशन बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण, तो अरुण नहीं लिखा तो भी चाहे, क्योंकि नरेशन में ऑलरेडी अरुण का नाम आ चुका है। कोई दिक्कत? हाँ है ना, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस। अब बेटा ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमें सिर्फ क्या मिला है? चेक मिला है। हमें क्या मिला है? सिर्फ चेक मिला है। क्या हमने ये चेक बैंक में डाला अभी तक? नहीं। जब तक हम वो चेक को बैंक में नहीं डालते, क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, हमको वो चेक मिला। देख एक एग्जांपल समझो, एक स्टूडेंट है उसने मुझे चेक दिया, मैंने उसको क्या बना कर दिया? रिसिप्ट। सिंपल लॉजिक है ये ना, फीस दिया तो बदले में क्या लेके जा? रिसिप्ट लेके जा। तुमने कैश दिया, तुमको क्या बदले में क्या मिलेगा? रिसिप्ट। आपने चेक दिया तो भी क्या मिलेगा? तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं, आप पैसा दो, चाहे कैश में दो चाहे चेक में दो, आपको बदले में क्या मिलेगा? रिसिप्ट। यानी चेक मिला तो उससे पहले आप क्या कंसीडर करोगे? कैश। क्या कंसीडर करोगे? कैश। इसलिए बेटा यहां पर 10,000 रुपए बैंक में नहीं आएगा, कहां पर आएगा? कैश में आएगा। समझा? भावनाओं में बहने का नहीं, आराम से। इसलिए मैं तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके पढ़ा रहा हूं, मतलब पहले आपके अंडरस्टैंडिंग से बाद में मेरी अंडरस्टैंडिंग से। समझ में आया? आप लोग हो, आपने मुझे समझो, दो स्टूडेंट है ए और बी, है ना, ए ने मुझे कैश लाया, कैश लिया, बदले में मैंने रसीद दिया, मतलब मेरे लिए वो कैश ही माना जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे चेक लाकर दिया तो भी मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, तूने फीस दिया, तो उसको मैं रसीद दूंगा कि नहीं दूंगा? दे दूंगा, मतलब मेरे लिए तो दोनों ही कैश है। अब वो चेक को उठाकर मुझे बाद में क्या करना है? बैंक में डालना है। उसके बाद वो क्लियर होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना, लेकिन इनिशियल लेवल पर जो हमें चेक मिलता है उसे हमें क्या कंसिडर करना है? कैश। क्या कंसिडर करना है? कैश। वापस बोल रहा हूं, इनिशियल लेवल पर हमें जो चेक मिलता है उसे हमें क्या कंसिडर करना है? कैश। क्या कंसिडर करना है? कैश।
डिफिकल्टी, वापस बोल रहा हूं, इनिशियल लेवल पर जो आपको चेक मिलेगा उसको क्या कंसीडर करना है, कैश, समझा? जब आपका कैश चेक क्लियर हो जाएगा तो वो आपके लिए किसमें आएगा, बैंक में आएगा, किसमें आएगा, बैंक में आएगा। अरे समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट बोलो बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने माल बेचा, मैंने क्या बेचा, माल बेचा, तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तारीख बोल बेटा, 8 तारीख, टू सेल्स कितना बेटा, 8000। नरेशन क्या लिखेगा बेटा, बींग सोल्ड गुड्स, कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो बेटा, अरुण से चेक आ गया ना बेटा, अरुण, अरुण का नाम वापस आ गया ना, क्या बोलता, अरुण से चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अरे अब मेरे को जो चेक मिला था उसको मैंने क्या कंसीडर किया था बेटा, कैश। अब ये चेक को मुझे क्या करना है, बैंक में डालना है, कहाँ डालना है, बैंक में। तो ये चेक लेकर जाके कहाँ लेके जाने वाला हूं मैं, बैंक में। तो बैंक रिसीवर या गिवर, रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक का नाम भी आया, कैश का नाम भी आया, कॉन्ट्रा एंट्री, कौन सा एंट्री? अरे समझ में आ रहा है क्या लॉजिक चल रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, समझा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक कॉलम में 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट तो कैश कॉलम में 10,000। अरे तकलीफ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आ रहा है? नरेशन क्या लिखेगा बेटा, बीइंग अरुण्स चेक, अरुण्स चेक डिपॉजिटेड, तकलीफ। तारीख बोल बेटा, 10 तारीख, इधर भी लिखो बीइंग अरुण्स चेक डिपॉजिटेड। अरे तकलीफ है तो बता देना मेरे को, लॉजिक वॉजिक सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्लियर? आगे देखो, परचेस गुड्स एंड पेड बाय चेक। बेटा मैंने गुड्स परचेस किया, पाप हो गया क्या? नहीं। गुड्स परचेस किया, बदले में पैसा दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, दिया। देखो कैसे दे रहा है, चेक में दे रहा हूं, किस में दे रहा हूं, चेक में दे रहा हूं, सिंपल है ना? तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो बेटा पैसा जा रहा है तो क्या लिखूंगा, बाय परचेसेस अकाउंट, क्या लिखूंगा बेटा, कितना अमाउंट जा रहा है बेटा, 20,000। चेक दिया मतलब बैंक से जाएगा, अमाउंट बोलो, तारीख बोलो, 12 तारीख, बींग परचेस गुड्स, और पेड बाय चेक बोला इसलिए बैंक कॉलम में लिखा, पेड बाय चेक बोला तो कौन से कॉलम में लिखा, बैंक कॉलम में। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट देखो, 15 तारीख, पेड, बेटा अंडरलाइन कर, पेड, पेड मतलब, पेड मतलब दिया, पेड मतलब दिया, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सप्रेस थ्रू बैंक, तो पैसा आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड। तारीख बोल बेटा, 15 तारीख, क्या लिखेगा, बाय एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस या एक्सपेंसेस, यही है ना, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कितना बोलते बेटा, 1,000। थ्रू बैंक बोला है तो बैंक कॉलम में आएगा, बींग पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस या चार्जेस, कुछ भी चलेगा। तकलीफ नहीं समझा? नेक्स्ट, कैश सेल्स, सेल किया पैसा लिया, कैश सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स किया पैसा लिया, कैश सेल्स, सेल्स किया पैसा लिया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। डेबिट साइड, डेट बोलो, 18 तारीख, टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा, 7,000, कैश में, इसलिए कैश में लिखा, बींग कैश सेल्स, कोई तकलीफ? नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब पैसा मैंने कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में। अरे पैसा लेकर गया, बैंक में दिया, तो बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, और कैश के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट। कोई तकलीफ
बैंक अकाउंट डेबिट बोल रहा हो, बैंक अकाउंट क्या बोल रहा हो, डेबिट, तो बैंक के कॉलम में 10,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट बोल रहा था, कैश कॉलम में 10,000। समझ में आ रहा है? सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तकलीफ? तारीख बोलो बेटा, 20। और नरेशन क्या आएगा? बींग डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, डिपॉजिटेड इन टू बैंक। पैसा कहां पर डिपॉजिट किया बेटा? बैंक में। यहां पर भी वही आएगा, बींग डिपॉजिटेड इन टू बैंक, डिपॉजिटेड इन टू बैंक। कोई तकलीफ? नेक्स्ट देखो बेटा, पेड किया बेटा, अभी तुम लोग ही बताओ, पेड किया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तारीख बोलो, 24 तारीख। क्या लिखूंगा? बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना बेटा? 500। ओके, कितना नरेशन? बीइंग पेड जनरल एक्सपेंस। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो बेटा, रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक। बेटा कमीशन मिल रहा है कि देना पड़ रहा है? मिल रहा है। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। तारीख बोलो, 27 तारीख। टू कमीशन। अब तकलीफ क्या है? पैसा कैश में आ रहा है कि चेक में आ रहा है? चेक में। अभी चेक में भी कौन सा चेक? क्रॉस चेक। अलावे कि नहीं अलावे? अलावे। कितना? 6,000 रुपया। अगर बेटा बैरर चेक होता तो कहाँ आता था? कैश कॉलम में। सिंपल। बैरर छोड़ के बाकी कुछ भी रहने थे, बैंकिंग टर्मोलॉजी, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक, ऑर्डर चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, कुछ भी रहने थे, कोई तकलीफ नहीं। बाकी सब कहाँ का? बैंक में। सिर्फ बैरर कहाँ आता है? चेक, कैश कॉलम में आता है। बींग रिसीव्ड कमीशन। हमें क्या मिला बेटा? कमीशन मिला। कोई तकलीफ? नेक्स्ट तारीख। अब तुम लोग बता, पेड रेंट, पैसा दिया कि लिया? दिया। आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट में। तारीख बोलो, 29। बाय रेंट अकाउंट। तारीख बोलो, अमाउंट? 2,000। ओके, नरेशन? बीइंग पेड रेंट, रेंट पेड किया। नेक्स्ट बोलो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से हमने पैसा निकाला, काय के लिए? पर्सनल यूज के लिए। क्या काय के लिए? पर्सनल यूज। तो बेटा पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। बिजनेस से पैसा जा रहा है तो डेबिट में कि क्रेडिट में? तारीख बोल बेटा, 30। बाय ड्रॉइंग। कितना अमाउंट? 1,200। नरेशन? बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। नेक्स्ट बोलो बेटा, वेजेस पेड। बोलो अभी कहां पे आएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्या लिखोगे? बाय वेजेस अकाउंट। तकलीफ? अमाउंट 6,000। नरेशन? बीइंग पेड वेजेस। तकलीफ हो गया? सम खत्म। अभी टैली करना है। ग्रीन से जो भी लिखूंगा वो सब क्या रहेगा? सब टोटल रहेगा, ठीक है? चलो देखते हैं, टोटल देखते हैं। 17,500 प्लस 10, 27,500। 27 प्लस 8, 35,500। 35 प्लस 7, 42, तो 42,500। 5 प्लस 10, 15, 15 प्लस 10, 25, 25 प्लस 6, 31। हो गया टोटल? इधर देखो, 3 प्लस 10, 13, 13 प्लस 10, 23, 23, 500, 25, 500, 26, 700, 26 और 32, 600, 7, sorry, 700. चेक कर लो वापस, 3 plus 10 13, 13 plus 10 23, 23 500, 23 plus 2 25 500, 26 700, और 26 plus 6 32। वहां पर देखो, 20 plus 1 21,000। ये हो गया मेरा टोटल। अब देखो जरा कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, जरा देखो, एक लाइन छोड़ के लिखने का एक्स्ट्रा है ना, 42,500 और 37। ये जो टोटल का मैं कॉलम बना रहा है ना बेटा, वो एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना? दिख रहा है सामने सामने?
ऐसा आगे पीछे करने का नहीं। अब 42 बड़ा है तो 42,500 यहां पर भी लिखा, 42,500 यहां पर भी लिखा, कोई तकलीफ? तो सर ये वाला अमाउंट कम दिख रहा है तो माइनस कर दे, जीरो एज इट इज, जीरो एज इट इज। 7 + 8 = 15 कैरी 1 3, 3 + 9 = 12 कैरी 1 4, 9,800 आएगा। माइनस कर देना 42,500 में से 32,700 माइनस करना, माइनस कर दे तो तुमको क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, सिंपल। अब 31 और 21 में क्या बड़ा है, 31 तो ये 31 यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 31 लिखा ना, तो सर यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 10,000 का, कोई तकलीफ? चलो बैलेंसिंग आ गया, अब इसको क्या करो, मिटा दो, तो आपका लेट दिक्कत आने वाली कभी भी नहीं है। इसको हम क्या बोलते सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तकलीफ? सर जुलाई का आखिरी दिन कौन सा होता है, 31st। सर जुलाई के बाद की तारीख क्या है, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त। यहाँ पे लिखो अगस्त 1, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना लिखोगे, 9,800, 10,000, दैट्स इट, सम हमारा वहां पर खत्म हो जाता है।